हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ गुरदीप एंड वेलकम टू एडवांस एग्रीकल्चरल क्लासेस। सो ऑलमोस्ट एएफओ 2016-17 ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब हमने 2017-18 के लिए प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो रहे हैं। जिन लोग का अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया है उनके लिए ये वीडियोज़ मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि जिनका नहीं हो पाया है, ये जो नेक्स्ट स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनका 100% एफिशेंसी से कम्प्लीटली हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। और जिन लोग का हो चुका है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। और वो अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करें, उनको टिप्स देते रहें, उनको सजेशन देते रहें कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि कैसे आपको IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2017-18 के लिए प्रिपेयर करना है और कैसे उसको क्रैक करना है, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके, आप AFO की पोस्ट पर रिक्रूट हो सके। तो चलिए देखते हैं आज के बारे में कैसे कैसे नोटिस दिया गया है, क्या चेंजेस किए गए हैं। सो जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर CWE है, जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर 7th होने वाला है, उसके ये जो नोटिस निकला है मैंने उसी को कॉपी किया है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स बहुत सारे डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब तक कि कोई फाइनल नोटिस नहीं आता हम उस पर ना जाएँ, और ना ही आप कोई फेक इस तरह के कोई डाटा पर विश्वास करें। जो एक्चुअल है उसी पे बाधे रहें, आप कुछ नई चीज़ें ना देखें, कोई साइट्स दिखा रही हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन आप जो है एक्चुअल में उसी पे अपनी बिलीव कीजिए, जब तक कि उसका टोटल कंप्लीट नोटिस नहीं आ रहा था। कोई डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स भी दे रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे फेक या कहें अपने गैस लगा के वो अपना अपना कोशिश कर रहे हैं। हम किसी को गलत भी नहीं बोल सकते, लेकिन हमको चाहिए कि हम पहले जब तक नोटिस नहीं आ जाता हम कुछ भी फाइनल ना करें। तो इसलिए मैंने कहीं और से ना लेके एक उसी का जो लेटर है या उसका जो नोटिस है मैंने उसी से कॉपी किया है, और उस वही आपके सामने रख रहा है एज इट इज़। इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू होल्ड 2-tier एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर फ्रॉम CWE 7th ऑनवर्ड। तो अब से 2-tier होगा, मीन्स प्री और मेंस होगा। जो पहले प्री को क्लियर करेंगे उनको फिर मेंस में दिया जाएगा, और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू का 3-phase कर दिया गया है। ऑल द कैंडिडेट्स हु विल सक्सेसफुली रजिस्टर देमसेल्फ अंडर CWE स्पेशल ऑफिसर 7th विल बी कॉल्ड फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जो रजिस्टर करेंगे उन्हीं को प्री के लिए बुलाया जाएगा। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सर्टेन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो जो शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट्स प्री के लिए उन्हीं को अब बाद में बुलाया जाएगा। इसके बाद आता है मेन्स के लिए। द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ओनली फॉर प्रोफेशनल नॉलेज। जो मेंस होगा वो बस प्रोफेशनल नॉलेज का होगा, जो प्री होगा उसमें क्वांटी एप्टी और इंग्लिश दिया जाएगा। द डिटेल्स विद रिगार्ड टू द बोथ प्री एंड मेन एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन IBPS वेबसाइट थ्रू द डिटेल्ड नोटिफिकेशन इन द ड्यू कोर्सेज। तो जो प्री और मेंस का जो कोर्सेज होंगे उनका बाद में बताया जाएगा कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा या जो भी उसके बारे में डिटेल दी जाएगी। द मार्क्स ऑब्टेंड इन द प्राइमरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो सिमिलरली जिस तरह इस बार हुआ कि क्वांटी एप्टी और रीजनिंग और इंग्लिश का जिस तरह से कोई भी वेटेज नहीं था, नेक्स्ट ईयर भी नहीं होगा, बस प्रोफेशनल नॉलेज जो मीन्स मेंस का होगा उसी का वेटेज होगा फाइनल इंटरव्यू के लिए। द मार्क्स ऑब्टेंड इन द मेन एग्जामिनेशन विल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। तो जो मेन्स के मार्क्स होंगे वही फाइनल होंगे। तो अब देख लेते हैं हम टेंटेटिव डेट्स के बारे में कि क्या क्या टेंटेटिव डेट दिए उन्होंने। तो जो 7th स्पेशल ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है उसकी प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 30th of December 2017 to 31st of December 2017 दिया है, और जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो 28th January of 2018 में होगा। तो इस तरह से टेंटेटिव डेट दिया हुआ है कि 2018 में और 17 में कब कब एग्ज़ाम होगा प्री और मेंस, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवाएंगे। तो ये एग्ज़ाम की डेट है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस तो जो ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं उनको जो बेसिक प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस है वो मालूम ही है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मैं फिर से एलिब्रेट कर देता हूँ। ये एक जस्ट एक आउटलाइन है सिलेबस की, एक स्टैंडर्ड लेके मत चलना कि एक एक पॉइंट इसमें है, जस्ट एक जनरल लेआउट मैं बता रहा हूँ कि बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, देन हॉर्टिकल्चर के अंदर में क्या क्या आता है, स्पेसिंग ऑफ टाइम, सोइंग, इंपॉर्टेंट वराइटीज, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, प्रिवेंशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, डिफरेंट प्लांट डिजीज, सीड साइंस, एग्रोनॉमी एंड इरीगेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, सोयल रिसोर्सेज, एनिमल हस्बेंड्री एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एक्सटेंशन, एग्रोफोरेस्ट्री एंड इकोलॉजी, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांटेज,
rural welfare activities in India, different insurance schemes regarding the agriculture and various government schemes. तो ये कुछ इस तरह का जो एग्रीकल्चर का लेआउट है, जिसमें कि ये दो तीन चीज़ें हैं, जैसे वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स है, ये करंट अफेयर्स में आ जाएगा, तो एक करंट अफेयर का पार्ट हो जाएगा, या इंश्योरेंस स्कीम वगैरह, या रूरल वेलफेयर में क्या उनसी एक्टिविटी चल रही है, ये दो तीन पार्ट जो है करंट अफेयर के आ जाएंगे, बाकी जो सिलेबस है। तो इसी तरह से क्वांटी एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है, तो अब तक तो मैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड से बहुत सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ, ऑलमोस्ट मैंने हॉर्टिकल्चर के कुछ लेक्चर्स कवर किए हैं, सीड साइंस के किए हैं, एग्रोनॉमी के कुछ किए हैं, इस तरह से इकोनॉमिक्स के नहीं किए, अभी मैं आने वाले टाइम में बनाने वाला हूँ। यहाँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बताया है, डिफरेंट सोयल रिसोर्सेज के बारे में बनाया है, एनिमल हस्बेंड्री एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बनाया है, एंड एक्सटेंशन के बारे में नहीं बनाया गया है अभी तक, एग्रोफॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी भी बना चुका हूँ, तो प्रायोरिटी सेक्टर ये बनानी है, रूरल वेलफेयर, ये जो डिफरेंट करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हैं वो सब मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक शायद वो आउटडेट हो जाएंगी। तो इस तरह से नेक्स्ट ईयर भी आने वाले टाइम में हम करंट अफेयर्स जो रहेगा उस टाइम का, वो उस टाइम पे बनाने की कोशिश करेंगे, और जो इनमें से लेक्चर छुटे हुए हैं उनको भी मैं जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि पूरा का पूरा AFO सिलेबस मैं प्रोवाइड करा सकूँ एस्पिरेंट्स के लिए। तो अब जो क्वांटी एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो अभी तक तो मैंने क्वांटी एप्टीट्यूड की कोई वीडियोज़ नहीं बनाई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्वांटी एप्टीट्यूड की वीडियोज़ भी कुछ बनाई जाएँ और इनके बारे में भी प्रिपरेशन करवाई जाए, क्योंकि जो बाकी प्रोफेशनल नॉलेज है वो तो ठीक है कि हमको उसमें स्कोर करना है, लेकिन क्वांटी एप्टीट्यूड का भी जो कट ऑफ एटलीस्ट वो क्लियर होना चाहिए सबका। तो अगर कट ऑफ की बात करें तो क्वांटी एप्टीट्यूड में जो अब तक का रिकॉर्ड्स है प्रीवियस ईयर्स के, वो 7 to 8 or 9 मार्क्स के बीच में, यस 12 मार्क्स तक इतना रहता है, इस बार तो बहुत ही कम रहा है, 7-5 ऐसा रहा है, तो मैक्सिमम 12। तो हम एक जनरल बोल सकते हैं कि अगर आप 15 मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप सेफ हैं, तो आपको 15 मार्क्स एटलीस्ट क्वांटी एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में और इंग्लिश तीनों के लिए टारगेट रखें कि आपको 15 लाने हैं। तो आप इन टॉपिक्स में से, ये भी जनरल आउटलाइन है, इसमें से और भी टॉपिक्स ऐड हो सकते हैं, तो इसमें से आपको 15 मार्क्स लाने हैं। तो आपको ये 15 मार्क्स कैसे लाने हैं, वो आपको बहुत ही सिंपल है, आप 15 मार्क्स बहुत ही ईजिली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 15 मार्क्स से क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो कि सिंपल होते हैं, हर कोई सोल्व कर सकता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, देखने में हमको डिफिकल्ट लगती है, लेकिन इनका बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजीली मेथड से ये सॉल्व हो जाती है, आपको 2 to 3 मिनट में आप 5 to 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह से जो नंबर सीरीज आती है वो भी एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जो भी आप उसके कुछ पैटर्न्स रहते हैं, अगर आप उन पैटर्न्स को पहचान लेंगे तो आप विद इन एक मिनट आप 2 to 3 मिनट में 5 to 5 सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह जो दूसरा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, ये भी बहुत सिंपल रहता है, जो अप्रोक्सीमेशन के नाम से भी आता है, तो ये भी बहुत ही सिंपल रहता है, ये भी आप बहुत ही इजीली 3 to 4 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद आता है, ये तीन टॉपिक तो आप एकदम फिक्स है कि 5-5 मार्क्स आते हैं, आप 5-5 में से 5 to 5 स्कोर कर सकते हैं और आपके 15 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं, आपको और कोई भी इसमें से टॉपिक छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से DI के एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आते हैं DI से, तो DI के एटलीस्ट अगर 10 or 15 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते हैं 5-5 मार्क्स के, अगर आप DI में से उन 15 में से एटलीस्ट 5 भी सॉल्व करने में सक्सेस हो जाते हैं, तो आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं गए, आप इजीली कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। और ये जो चार टॉपिक्स हैं, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सबको मैं बहुत ही जल्द कवर करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप इनको कवर कर लें और आपके 20 मार्क्स, 15 एटलीस्ट मार्क्स हर हाल में आएंगे, आई एम डैम श्योर। और बाकी जो है बचे हुए टॉपिक्स हैं इनको आप कर सकते हैं, आप इन 20 क्वेश्चन में 20 मार्क्स ला सकते हैं, बाकी में से भी आप कुछ ना कुछ स्कोर कर सकते हैं। और ये मैं चार टॉपिक्स जो है अच्छे से कवर करूँगा, या इनमें से कोई बाकी सब भी करूँगा, लेकिन इन 3 or 4 टॉपिक्स में से एकदम डैम श्योर कि आप 100% कर सकते हो, ऐसा हम ट्राई करेंगे। बाकी पार्टनरशिप है, ये भी बहुत आसान टॉपिक है, इसे भी आप एक क्वेश्चन आता है आप सॉल्व कर सकते हैं, से टाइम एंड वर्क से कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से एक एक दो दो प्रॉब्लम आती है, तो आप एक एक दो दो कर सकते हैं, जैसे 15 मार्क्स डाटा इंटरप्रिटेशन के, 5 मार्क्स क्वाड्री के, 20, 25 और 30, 30 मार्क्स से हो गए, और 20 बाकी एग्रीगेट में से एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं, तो आप 20 में से आप 15 आराम, 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, एकदम एक्यूरेट, और आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से मैं क्वांटी एप्टीट्यूड के कुछ जो टॉपिक्स बताया मैंने, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, DI, टाइम एंड वर्क एंड पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन सबको कवर करने की कोशिश करूँगा,
और उम्मीद है कि आप लोग को जल्दी ही ये कवर करवाऊंगा। तो आप घबराइए मत, आपका बहुत आसानी से 15 to 20 मार्क्स स्कोर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी सेम वही नंबर सीरीज है, लेटर एंड सिंबल है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट लॉजिकल प्रॉब्लम है जैसे सिलोजम वगैरह है, पैसेज एंड कंडक्शन है, अल्फाबेट टेस्ट है, ब्लर रिलेशन है, डायरेक्शन एंड सेंस है, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर रैंकिंग, मेकिंग जजमेंट्स एंड इनइक्वलिटी। तो इसमें से भी जो तीन हैवी टॉपिक्स हैं, जैसे इनइक्वलिटी है, आपके 5 मार्क्स इसमें से आते हैं, 5 क्वेश्चन। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 5 मार्क्स आते हैं, उसके बाद आपके इनपुट आउटपुट से 5 मार्क्स आते हैं, इसके बाद आपके सिलोजम से 5 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आपको 5 5 5 5 आते हैं, और आप इन 20 में से इजीली 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चार चार चारों में से 15 to 20 क्वेश्चन आप 15 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और रही बात बाकी की, जैसे नंबर सीरीज हो गया, स्टेटमेंट आर्गूमेंट में हो गया, डायरेक्शन सेंस बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसको आप कवर कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन है बहुत सिंपल टॉपिक है। तो इस तरह से आप आराम से इसमें 15 का टारगेट रखेंगे, 15 आप आराम से ला सकते हैं। सिलोजम में कवर करने की कोशिश करूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि सिलोजम में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, आप पूरे के पूरे सॉल्व कर पाएंगे अगर आप तरीके से चलेंगे, आप जो मेथड बताई जाएगी आप उस मेथड को फॉलो करेंगे। इस तरह जो इनइक्वालिटी की जो मेथड हम बताएंगे, अगर आप उस इनइक्वालिटी के मेथड को फॉलो करेंगे तो आप 101% आप सबके सब करेक्ट करेंगे, और इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के भी आप 100% कर पाओगे। अगर आप तीन सिर्फ क्वेश्चंस का टारगेट करें और तीनों के 15 15 सही कर दें, तो आपका कट ऑफ हर हाल में क्लियर होना है। सो आप बाकी में से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, आप मैं 15 मिनट में 15 क्वेश्चन सॉल्व करने की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर कर पाएंगे। सो आप फॉलो कीजिए, अगर हम आपकी हेल्प कर पाए तो आप बिल्कुल शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। तो नेक्स्ट है, हम बात करते हैं इंग्लिश में। हाँ, आप इन तीनों में बिल्कुल टारगेट करिए, आपको ये 15 क्वेश्चन, या इनपुट आउटपुट फिक्स नहीं होता है, इन दोनों में ऑप्शन रहता है, या तो इनपुट आउट दे देते हैं या फिर कोडिंग डिकोडिंग दे दिया जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक आएगा तो मतलब आप चारों में से तीन टॉपिक तो फिक्स आते हैं 5 5 मार्क्स के, बाकी आप एक दो किसी में स्कोर कर सकते हैं एज पर द टाइम अवेलेबल। तो ब्लड रिलेशन भी बहुत सिंपल है, इसमें से भी 2 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो मैं शायद नहीं कवर कर पाऊंगा, अगर फिर भी अगर टाइम मिलता है, टाइम परमिट हुआ तो मैं इंग्लिश भी कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इंग्लिश में तो सेम सिलेबस है जो पहले से चला रहा है, ट्रेडिशनल वोकैबुलरी लाइक होनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस कंप्लीशन, थीम डिटेक्शन, फ्रेज एंड आइडम्स, ग्रामर, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये सब के जो इंग्लिश के टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इंग्लिश तो थोड़ा इस बार थोड़ा डिफिकल्ट लेवल था, तो आगे के टाइम पे हम थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का ही प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत से लोगों को इंग्लिश के कारण उनको रहना पड़ गया है, उनका प्रोफेशनल में अच्छे 30 मार्क्स तक आए हैं लेकिन उनका इंग्लिश के कारण रह गया है, क्योंकि इंग्लिश का जो सिलेबस था पहले थोड़ा लाइट था, इतना टफ नहीं आता था, लेवल इस बार बढ़ा दिया है। तो नेक्स्ट ईयर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ही लेवल आएगा, ज़्यादा लेवल आएगा, तो आप इस पर थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। अगर पॉसिबल हुआ तो हम कवर करेंगे, अदरवाइज हम शायद नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या टाइम बचता है, लेकिन हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बहुत अच्छे से ट्राई करेंगे कवर हो जाए। प्रोफेशनल नॉलेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो टॉपिक्स बचे हुए हैं हम उनको भी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, किस तरह से हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। आई होप आप इसकी एडवांटेज ज़रूर लेंगे, आप कोऑपरेट कर रहे हैं, आपके बहुत लाइक्स मिल रहे हैं, शेयर्स मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपने बहुत शेयर किए, आपने बहुत लाइक किया वीडियोस को, आपके जो लाइक्स हैं, आपके शेयर्स हैं, हमें प्रमोट करते हैं और काम करने के लिए, और अच्छे से काम करें, थैंक यू सो मच। तो ऑल द बेस्ट इस नए 2017-18 के लिए, AFO के प्रिपरेशन के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे, आप हमारे साथ मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।